खास तौर पर शिव गंगा पहुंचते हैं पहले जो कांवरिये होते हैं, उसके बाद सीधे देवघर पहुंचते हैं। कामरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं प्रीति हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है सीधे बाबा मंदिर से। प्रीति देखिए, शिव गंगा के बाद सीधे जो कांवरिया है पहुंचते हैं बाबा नगरी, और आप वहां मौजूद हैं तो वाकई जो अद्भुत आज पल होगा, क्योंकि आप ये समझिए एक तो सावन मेले की आज शुरुआत हो चुकी है और सावन का महीना हर लिहाज से पवित्र माना जाता है, और शिवलिंग की बात की जाए देवघर मनोकामना लिंग के नाम से माना जाता है। क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रीति वहां पर आप देख रही हैं और श्रद्धालुओं में क्या उत्साह? बिल्कुल, हर हर महादेव और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन का ये पवित्र महीना है और आप शब्दों में मैं इसको बयां नहीं कर सकती हूँ। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि सावन का पहला दिन है और आप श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ देख सकती हैं। पैर रखने की यहाँ पर जगह नहीं है। हर हर महादेव के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं, हर हर महादेव के जयघोष यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है बड़ी मुश्किल से हमें ये मौका मिलता है कि हम माला, बड़ी मुश्किल से ये मौका मिलता है कि हम देवनगरी आए, बाबा के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और जलाभिषेक करें। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लोग ना सिर्फ यूपी बिहार से आए हैं, लोग अनेक राज्यों से यहाँ पर आए हैं, और उनका यही कहना है कि 2 साल तक बाबा के दर्शन करना मुमकिन नहीं था, उम्मीद खत्म हो गई थी, लग नहीं रहा था कि बाबा के एक बार फिर से दर्शन हो पाएंगे। लेकिन सावन का पहला दिन और भीड़ देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले दिनों में, यानी कि अगर सोमवार आता है तो उस दौरान किस दौरान भीड़ होगी। और देखिए, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 सालों से बाबा के दर्शन नहीं करे थे, 2 सालों से बाबा के दर्शन नहीं करे थे, आज सावन का पहला दिन है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत दूर से हम लोग आए हैं, गोरखपुर से आ रहे हैं। गोरखपुर से आए हैं हम लोग, मुंबई से आए हैं। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि ये लोग मुंबई से भी यहाँ पर लोग आए हैं। जी बताइए। हम मधुबनी से आए हैं, बस्ती से आ रहे हैं, बाबा के दर्शन हुए, मधुबनी से आए हैं, बाबा के दर्शन हुए, बिहार से आए हैं, बिहार से बाबा का दर्शन हो गया और यहीं के रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया से पूजा हो गया, 2 साल बाद पूजा हुआ है बाबा का, सावन में बहुत अच्छी लगी। आप बताइए कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सामने पहला दिन जल चढ़ाने का बहुत अच्छा उत्साह है हम लोग को। क्योंकि आप तो मुंबई से आए हैं, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे, बहुत इतने सारे भक्त देखकर मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ है। श्रावण का पहला दिन है, इतनी खुशी है मन में सबके, सब बहुत ही जोश में आए हैं बाबा के दर्शन करने। ये बताइए, पहली बार आई है या पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए हैं, पहली बार आए हैं हम लोग, पहली बार आके बहुत अच्छा महसूस, बहुत अच्छा। मुंबई से कैसे आई हैं? अब तो देवघर एयरपोर्ट भी हो गया है, कोई दिक्कत परेशानी? ट्रेन से आए हैं, रात को 2:30 बजे पहुंचे हैं, सुबह को 4 बजे मंदिर में दर्शन के लिए हम आ गए हैं। चलिए, बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे आके बहुत प्रसन्नता और बहुत मन को शांति भी मिली है। बिल्कुल, और समझा जा सकता है भक्त यहाँ पर कितने ज्यादा उत्साहित है। लेकिन मैं एक बार फिर से कैमरे को पैन करके आपको नजारा दिखाती हूँ कि देखिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। खुद मैं यहाँ पर जब आई हूँ तो मुझे पैर रखने की जगह नहीं मिली है। कोशिश यही थी कि आपको हर तस्वीर से हम रूबरू कराए। बाबा धाम की मान्यता आप समझ सकती है कि लोग मुंबई से आ रहे हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सावन का पहला दिन है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब पूरे महीने क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पर। और साथ ही सबसे खास बात यह है कि जलाभिषेक को लेकर जो खास तैयारियां यहाँ पर की गई है, शिवलिंग पे लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं, जिसे जलधरी कहते हैं। हालांकि जलधरी का भी विधि विधान होता है, आने वाले दिनों में हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो मौजूद है। कोशिश यही है कि भीड़ को नियंत्रण में रखा जाए, लेकिन बावजूद उसके भक्तों की संख्या और भक्तों का उत्साह यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन का उजाला हो रहा है, भक्तों की कतार यहाँ पर लंबी होती जा रही है। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दें कि यहाँ पर जो लोग हैं सुल्तानगंज से जल लेकर आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, कांवड़िया यहाँ पर आते हैं और सीधे तौर पर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन ये सावन इसलिए भी खास है, सावन का आज पहला दिन है। देखिए, कहा जाता है कि बाबा वैद्यनाथ धाम की जो स्थापना है विष्णु जी ने की थी, और आज बृहस्पतिवार का दिन है। अंदाजा आप लगाइए कि आगाज शुरुआत सावन के पवित्र महीने की जब ऐसे होती है तो आने वाले दिनों के जो 4 सोमवार है जिसकी अलग एक मान्यता है, वहां पर आप देख पाएंगे कि लोग बेहद ही उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसी को कोई कोरोना का, इससे पहले आप लोग जिक्र कर रहे थे, कोई भय कोरोना का फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग भोले की भक्ति में यहाँ पर रंगे हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल प्रीति, जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं और उत्साह कितना ज्यादा, ये बखूबी हम यहीं से देख पा रहे हैं। और प्रीति, आगे आपसे चर्चा करेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं श्रद्धालु बहुत ज्यादा पहुंचे, तो कैसे व्यवस्थाएं कराई गई हैं। लेकिन इसके बाद पहले रुक कर लेते रितेश का। रितेश, आप भी पटना में मौजूद हैं और देखिए वाकई पूरे देश में आज